इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका डेली न्यूज में स्वागत है। यमुना में आई बाढ़, दिल्ली के किसानों को हुआ इतना नुकसान। नई दिल्ली यमुना के जलस्तर बढ़ने के कारण आई किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। इन किसानों का मुख्यतः 200 छोटे से सीमांत किसान शामिल हैं। करीब 40 लाख की फसल बर्बाद हुई है। किसानों का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब वे क्या करें या इस स्थिति में कैसे निपटें। मामले में इस गरीब को सहायक किसानों का कहना है कि इस फसल का उनकी आय एकमात्र जरिया थी और इस नुकसान के उभर पाना उनके लिए नामुमकिन सा है। 50 साल का चक्रवर्ती कहना है कि उसकी 5 जवान लड़कियां हैं, उन्हें 5 का स्तर बढ़ने के खतरे में मध्यान सोमवार रात को उनका घर छोड़ शिविर पे पहना लेती हैं। उन्होंने कहा है कि हम दर्शकों से यमुना खादर में सब्जियां की खेती कर रहे हैं, मेरे पति भी यही करते हैं। 2004 में उनके निधन के बाद मैं अपनी 5 बेटियों के साथ खेती करती हूं। अब इसे बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे किसान का कहना है कि अधिकारियों से पानी का स्तर बढ़ने से संबंध है जानकारी दी। हमें 25,000 रुपये का नुकसान हुआ है और इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। यह हमारी आय एकमात्र जरिया था। नदी के पानी के खतरे के निशान पर वह आने से पहले 10,000 से अधिक लोगों के निचले इलाकों में निकल निगम बोध स्मानाथ घाट के पहना में पहली यमुना जल स्तर खतरे के निशान से पहुंच चुका है। हरियाणा यमुनानगर में हथनी कुंड बैराग में 8.28।